Students, in this lecture we will solve the question number 5 of exercise number 16.2 from the book of Fundamental Methods of Mathematical Economics by Alpha C. Chang. Question number 5 will be solved by using the chain rule. तो ये question number 5 का ए part हमें दिया गया है जिसके अंदर we are asked to find the derivative of sine f theta by using the chain rule. तो इसको solve करने के लिए सबसे पहले we will suppose that y is equal to sine f theta. यानी हम assume करेंगे कि जो हमारा sine है that is equal to f theta. अब यहाँ पे जो f theta है इसको हम let करेंगे that f theta is equal to u. यानी जो हमारा f theta है वो u के equal है. अगर f theta u के equal होगा तो हमारा जो y function होगा that will be equal to sin u. तो इस तरह ऊपर जो हमें compound function दिया हुआ है उसको हमने दो functions में change कर दिया, दो equations हैं. एक तरफ हमारे पास u है which is a function of theta, दूसरा है y which is a function of u. तो हम क्या करेंगे कि हम u का theta के हिसाब से derivative find out करेंगे, that will be f prime theta. क्योंकि ये एक जनरल हमारे पास फंक्शन है तो जनरल फंक्शन में डेरिवेटिव लेने का ये मेथड होता है कि आप ऊपर प्राइम लगा देते हैं. और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि हम y का u के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि y के राइट साइड पे u है. तो हम जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव cos होता है और साथ u उसी तरह से आ जाएगा. तो साइन u का डेरिवेटिव हमारे पास cos u आ जाएगा. अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि वी विल अप्लाई द चेन रूल. और चेन रूल का फार्मूला अगर हम यहाँ पे लिखें तो चेन रूल का फार्मूला होता है डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू ओवर डी थीटा. क्योंकि जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है उसमें अगर आप ये देखें तो वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा. तो एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो डी वाई ओवर डी यू ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है दैट इज़ कॉज यू और डी यू ओवर डी थीटा हमारे पास एफ प्राइम थीटा आ गया. अब यहाँ पे नेक्स्ट हम ये करेंगे कि यू को रिप्लेस करेंगे उसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ. तो यू इज इक्वल टू एफ थीटा. तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस इंटू एफ थीटा एफ प्राइम थीटा. तो ये हमारे पास बाय यूजिंग द चेन रूल डेरिवेटिव आ जाएगा साइन एफ थीटा का. इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप कॉस एफ थीटा का जो है ना वो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है साइन इंटू थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा. तो इसमें भी हम सपोज करेंगे कि y इज़ इक्वल टू साइन इंटू थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा. फर्दर हम अज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास जो थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा है दैट इज़ इक्वल टू u. तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो y बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू साइन u. यानी हम थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा की जगह पे u जो है ना वो ऐड कर देंगे. अब हम क्या करेंगे कि हम u का थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे और इसी तरह से y का हम u के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे. तो y u का थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव बनेगा 2 थीटा प्लस 3 यानी 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, पावर में से एक निकालेंगे और 3 थीटा का 3 बनेगा. और इसी तरह से y का u के हिसाब से डेरिवेटिव हमारे पास cos u बनेगा. फिर हम इस पे चेन रूल अप्लाई करेंगे डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू ओवर डी थीटा. तो डी वाई ओवर डी यू की जगह पे उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे और डी यू ओवर डी थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर यू को हम रिप्लेस करेंगे उसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ. तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा कॉस इंटू थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा डॉट 2 थीटा प्लस 3. तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप